हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जो कि क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाना है और आपको इस डायग्राम से पहले कुछ थ्योरी लिखनी है, जो इस प्रकार है। माना कि संधारित्र की दो प्लेट एक्स तथा वाई है, माना कि संधारित्र की दो प्लेट एक्स तथा वाई है, जिनके बीच की दूरी डी है। उसके बाद देखिए, आपको कुछ इसकी कार्यविधि लिखनी है। माना कि प्लेट एक्स को धनावेशित किया जाता है, तब प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण प्लेट वाई की भीतरी सतह ऋणावेशित हो जाती है। माना कि एक्स प्लेट को जब प्लस चार्ज दिया जाता है, तब वाई प्लेट की भीतरी सतह निगेटिव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वाई प्लेट के भारी सतह, जो वाई प्लेट की जो भारी सतह है वो ग्राउंड से अटैच है, ठीक है। तो देखिए, बाई प्लेट की जो बाहरी सतह है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, जो कि ग्राउंड हो जाता है, यानी कि पृथ्वी पर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार से लिखनी है, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, माना एक संधारित्र की दो प्लेट एक्स तथा वाई है, जिनके बीच की दूरी डी है, ठीक है। यही बताया था हमने, जब प्लेट एक्स को धनावेश दिया जाता है, जब प्लेट एक्स को धनावेश दिया जाता है, तब उतनी ही मात्रा में प्रेरण के कारण वाई प्लेट के भीतरी सतह पर ऋणावेशित उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, प्लेट वाई निरावेशित हो जाती है, क्योंकि वाई प्लेट की बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़ी है, ठीक है। यानी कि जो वाई प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। हमें एक व्यंजक प्राप्त करना है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। हमें ये ज्ञात करना है। इसको निकालने से पहले हमें क्या क्या निकालना होगा, इसको निकालने से पहले हमें इन दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करना होगा, और इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होगा, ठीक है। यदि हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और विभवांतर होगा, ठीक है, E का मान होगा और V का मान होगा, हम बहुत ही आसानी से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि विद्युत, यानी कि संधारित्र की धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें E को ज्ञात करना है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये फार्मूला होता है। उसके बाद देखिए, एक फार्मूला और होता है, पृष्ठ घनत्व का जो फार्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। यानी कि किसी प्लेट के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश वितरित किया जाता है वह पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि सिग्मा, ठीक है, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, समझ गए। उसके बाद देखिए, जो सिग्मा की वैल्यू है क्यू अपॉन ए, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे, ठीक है। तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। हमने सिग्मा के स्थान पर क्यू अपॉन ए रखा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। उसके बाद हम विभवांतर ज्ञात करेंगे, क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, इस दूरी के कारण हम इसका, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विभवांतर क्या होगा, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा विभवांतर v हो, ठीक है, तब क्या होगा, E इक्वल टू वी अपॉन डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू वी अपॉन डी। हमें ज्ञात क्या करना है, V को ज्ञात करना है, यानी कि विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि V इक्वल टू, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ED, यानी कि V इक्वल टू ED हो जाएगा, ठीक है, V इक्वल टू ED। उसके बाद V इक्वल टू, जो हमारे पास A की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, A की वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, उसको हम पुट कर देंगे यहां पर E के स्थान पर, ठीक है। तो V इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A या A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद डॉट D, इसको हमने सेम D को इस प्रकार से ही लिखा है, ठीक है, V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो देखिए, फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V, ठीक है, हमारे पास V की वैल्यू यहां पर है, V इक्वल टू क्यू अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है, या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D, ठीक है, इसी प्रकार से हम रखेंगे। तो C इक्वल टू Q को हम इसी प्रकार से लिखेंगे और अपॉन, ठीक है, उसके बाद V की वैल्यू रखेंगे यहां पर अपॉन में Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, ठीक है, हमने इसको यहां पर रखा है, ठीक है, जो V का मान है इसको हमने V के स्थान पर रखा है। उसके बाद Q से हमने Q को कैंसिल किया है, ठीक है, जो बटे के बटे में है, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, ये नीचे ही रहेगा D, ठीक है। उसके बाद हमारा जो व्यंजक है उसको हमने प्राप्त कर लिया है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, इसका मात्रक भी हम लिखेंगे फैराड।
तो डियर स्टूडेंट यही व्यंजक हमें प्राप्त करना था। इस प्रकार से आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, C इक्वल टू एप्सिलॉन रूट ए अपॉन डी, ठीक है। इसका मात्रक भी लिख देंगे फैराड, ठीक है, यानी कि धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और लिख सकते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, ठीक है, जब माध्यम का परावैद्युतांक के हो तब कौन सा फार्मूला यूज होगा। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूज होता है, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। हमने क्या क्या है इस पर, इसमें हमने के को अप्लाई और कर दिया, यानी कि के को और रख दिया यहां पर, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है, सबसे पहले हमें ई को ज्ञात करना, फिर वी को ज्ञात करना, फिर सी को ज्ञात करना, यानी कि ए वी सी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका प्रोसेस याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यदि आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट में भी हमने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक पिन किया है, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहां से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।